मध्य प्रदेश के दतिया में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी 2 दिसंबर को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया में आयोजित होगी। दतिया में हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ते रुझानों को लेकर पहली मर्तबा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ सहित देश के कई प्रांतों से विषय विशेषज्ञ इस संगोष्ठी में आमंत्रित किए गए हैं, जो इस संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। संगोष्ठी में तकरीबन 250 शोध विद्यार्थी भी शामिल होंगे, जिनमें से 15 विद्यार्थी दतिया के हैं। राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी 2 चरणों में संपन्न होगी। जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति अविनाश तिवारी, डॉक्टर LV चौधरी लखनऊ एवं डॉक्टर दिलीप चक्रवर्ती मंत्रालय भोपाल मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के विषय में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DR राहुल एवं आयोजन सचिव डॉक्टर सीमा मार्गरेट सिंह ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के निष्कर्षों से समाज एवं छात्र छात्राओं के बीच पर्यावरण के प्रति जन चेतना उत्पन्न होगी तथा शोध संगोष्ठी में प्रस्तुत शोध की नई हरित तकनीकों का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में सहायक सिद्ध होगा। खबर हरपल के लिए रनी लटोरिया की खबर। महाविद्यालय जो है ये राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी आयोजित करने जा रहा है दिनांक 2 दिसंबर 2022 को, और इस राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का शीर्षक है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात कि संपोषित विकास, पर्यावरण के संपोषित विकास के लिए हरित प्रौद्योगिकी के उभरते रुझान। और हरित प्रौद्योगिकी क्या होती है? हरित प्रौद्योगिकी जो है वो एक इको फ्रेंडली टेक्निक है, जिसमें कि पर्यावरण को और पर्यावरण के विभिन्न घटकों के आपसी सामंजस्य को बनाए रखने के लिए ऐसे कौन कौन से तकनीक हैं जिनका कि हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो भी बाधित ना हो और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो इन उद्देश्यों को लेकर के ये सेमिनार आयोजित की गई, और इसके जो निष्कर्ष होंगे उनसे निश्चित रूप से छात्र, समाज और पूरा राष्ट्र लाभान्वित होगा, यही हमारे सेमिनार का उद्देश्य है। इस संगोष्ठी में जैसा कि मैडम ने आपको बताया कि पर्यावरण विषय को लेकर के है, आज हमारा पर्यावरण क्योंकि प्रदूषित हो रहा है और हरियाली गायब होती जा रही है, तो हरियाली बचाने के लिए और हरियाली से जन जन तक जो लाभ पहुंचने वाला है उसको परिचित कराने के लिए हमने ये विषय चुना है। शासन की भी यही मंशा है कि हमारा आसपास का पर्यावरण हरा भरा हो तो निश्चित रूप से जो प्राणवायु है वो हमें शुद्ध मिलेगी, इसका उद्देश्य भी यही है। और इसको ध्यान में रखते हुए क्योंकि शासन ने जो हमको निर्देश दिया है उसको उसके परिपालन में हमने देश के कोने कोने के जो इससे विशेषज्ञ हैं उनको बुलाने का निश्चय किया है। जैसा कि मैडम ने बताया आपको, इसके जो चीफ गेस्ट होंगे वो हमारे जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अविनाश तिवारी जी होंगे, और भोपाल, दिल्ली, लखनऊ जगह जगह के जो विशेषज्ञ होंगे वो विशेष रूप से अपने विषय के विशिष्ट वक्ता होंगे, और निश्चित रूप से इससे हमारे दतिया और दतिया के रहने वाले आसपास के जो जन जन तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है इस ग्रीन टेक्नोलॉजी को वो पूरा हो पाएगा, ये मंशा है हमारे शायद इस संगोष्ठी की कि इसका लाभ जन जन तक पहुंचे और उसका लाभ प्रॉपर मिले, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। इसलिए बहुत सारे शोधार्थियों को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है, और जैसा अभी बताया आपको कि यहाँ जो शोधार्थी हैं 5 विषयों में उनको भी आमंत्रित किया है, बाहर के विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी इसमें बुलाया गया है, तो वो भी लाभान्वित हों, वो शोध कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिले, ये भी इसका एक हिस्सा है। सो ये प्रयास है कि ये दतिया का ये महाविद्यालय इस संगोष्ठी के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए या इसको और हरा भरा बनाने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ये कोशिश है इस संगोष्ठी की जो हमारी 2 तारीख को आयोजित होगी।